हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल द सीक्रेट ऑफ इन्वेस्टिंग में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग के अंडर वैल्यूड स्टॉक के बारे में डिस्कशन करेंगे। इस स्टॉक को अगर अभी हम लोगों ने लिया तो डेफिनेटली शॉर्ट टर्म में ही हम लोगों का पैसा 2 गुना 3 गुना होता हुआ नजर आएगा। कैसे आएगा जानेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, मेरी लगातार यही कोशिश रहती है कि आपको ऐसे स्टॉक्स बताया जाए जिनमें आप लोग का इन्वेस्टमेंट बहुत ही ज़्यादा सेफ हो और लॉन्ग टर्म में आप लोगों को काफ़ी अच्छा खासा मुनाफा भी मिले। आप लोगों ने देखा पिछले 1 साल में काफ़ी तेजी हम लोगों को मार्केट में देखने को मिली है, तो सारे स्टॉक आपको काफी ज्यादा हाईर वैल्यूएशन ट्रेड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये स्टॉक अभी भी काफी ज्यादा नीचे है। पिछले 1 साल में आपको ज्यादा कोई तेजी इस स्टॉक में देखने को नहीं मिली है और इस वजह से आपको इस स्टॉक के ऊपर नजर रखनी चाहिए। मौका मिले तो जरूर इसमें खरीदारी भी करनी चाहिए। काफी अच्छा खासा पैसा अपने इन्वेस्टरों का इसने ऑलरेडी बनाया है। चलते वीडियो को स्टार्ट कर लेते, कौन सा स्टॉक जानने की कोशिश करेंगे। अगर हम लोग आए नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर तो आप लोग देखेंगे लगभग 555 रुपए के आसपास का प्राइस आपको इस स्टॉक के ऊपर देखने को मिलेगा। अगर हम लोग बात करें 1 महीने की रिटर्न की तो आप लोग देखेंगे 1 महीने में -2% के रिटर्न आपको देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम लोग बात करें YTD रिटर्न 2021 का परफॉर्मेंस इसका देखें तो मात्र 7% की तेजी आपको देखने को मिल रही है इस स्टॉक के पीछे। अगर हम लोग बात करें 1 साल के रिटर्न की तो मात्र 13% की तेजी। जहां स्टॉक्स डबल ट्रिपल चार चार गुना पांच गुना पैसा कर दिया है, लेकिन इस स्टॉक ने मात्र 13% की ही तेजी दिखाई है। अगर हम लोग मैक्स रिटर्न देखें इस कंपनी के तो आप लोग समझ सकते हैं 33,950% के रिटर्न इस स्टॉक ने आपको प्रोवाइड करा के दिखा दिए हैं कुछ सालों के अंदर। जी हाँ दोस्तों, आप लोग देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि 8 जनवरी 2010 को इस स्टॉक का प्राइस मात्र 1.63 रुपीज के आसपास हुआ करता था। वहां से ये स्टॉक 555 पे आज ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब कि आपके पैसे को लगभग 3-4 टाइम्स इस स्टॉक ने ऑलरेडी करके दिखा दिया है मात्र 11 सालों के अंदर ही अंदर। तो बहुत गजब का स्टॉक है। आपको ये पता चल गया अपने इन्वेस्टर का पैसा लगातार बना रहा है, तो आप लोग कहीं ना कहीं अगर इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा सेफ इन्वेस्टमेंट आपकी मानी जाएगी। अगर आप लोग देखें कि 2017 में इस स्टॉक ने लगभग 950-960 रुपये का हाई भी लगाया था, वहाँ से ये स्टॉक अभी भी लगभग आपको आधे प्राइस में देखने को मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, 2017 से स्टॉक ने कुछ ज़्यादा खास तेजी नहीं दिखाई, काफ़ी ज़्यादा गिरावट आपको देखने को मिली थी और उसका कोई बड़ा कारण भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। अभी अगर आप लोग देखेंगे कंपनी की कंडीशन काफ़ी सही है, आपको कोई दिक्कत परेशानी देखने को नहीं मिलेगी। बोरोइंग देख सकते हैं आप लोग मात्र 4 करोड़ के आसपास की है। केवल और केवल कंपनी के ऊपर 4 करोड़ का कर्जा है। वहीं 1700 करोड़ से भी ज़्यादा के कंपनी के पास रिजर्व है, मतलब कि कंपनी के पास फंड मौजूद है। अगर आप लोग देखें कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी की तो पिछले 10 सालों से लगातार 57% के CAGR से ग्रोथ हुई दिखाई दे रही थी। पिछले 5 सालों में काफ़ी तेज गिरावट देखने को मिली, जिसका कारण है पिछले 3 साल का इसका जो प्रॉफिट आया है वो। अगर आप लोग देखें स्टॉक का CAGR तो पिछले 10 सालों से लगातार कंपनी ने 60% के CAGR से रिटर्न डिलीवर करके दिखाए हैं। पिछले 5 सालों से आप लोग देख सकते हैं 25% के CAGR से, और 1 साल में 15% की तेजी भी इस स्टॉक ने करके दिखाई है। अगर आप लोग देखेंगे प्रॉफिट कंपनी का तो ज़्यादा कोई आपको बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। आप लोग देख सकते हैं 2017 में कंपनी का प्रॉफिट 216 करोड़, उसके बाद 2018 में 446 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट, मतलब कि ठीक दुगना आपको कंपनी का प्रॉफिट देखने को मिला। और जो कंपनी पिछले कई सालों से लगातार अपने प्रॉफिट में जंप करके दिखा रही हो, उसमें अगर थोड़ी सी गिरावट आ गई तो उसमें कोई बड़ी या दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं 2019 में 274 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट जनरेट करके दिखाया कंपनी ने, उसके बाद ही आप लोग देख सकते हैं कंटिन्यूअसली कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 2020 में प्रॉफिट बढ़ा 346 करोड़ का हो गया, उसके बाद आप लोग देख सकते हैं 2021 में 360 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट करके दिखाया। मतलब ये कंपनी हार नहीं माना, कंपनी ने लगातार बाउंस बैक करके दिखाया है आपको। तो आपको समझना चाहिए कंपनी यहाँ से खत्म नहीं होने वाली, ऐसा हर कंपनी में आपको देखने को मिलता है। और कंपनी अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप लोग कोई बाइंग करते हैं तो नॉर्मल आपको आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा कि 20-25 सालों में उस कंपनी में बहुत सारी दिक्कतें भी आएंगी, बहुत सारी परेशानियां भी आएंगी। तो आपको उसी चीज़ के हिसाब से स्टॉक को कभी भी बेचना नहीं चाहिए, क्योंकि आप लोगों को पता है कि कोई भी स्टॉक 100%, 200%, 300% की रिटर्न यूं ही नहीं दे देता है। उसको गिरावट का फेस भी करना पड़ता है कई बार, उसके बाद वो लगातार आपको बाउंस बैक करके दिखाता है। तो आपको ये चीज़ें समझनी चाहिए और इन चीज़ों से डरना नहीं है, पैनिक नहीं होना है, स्टॉक को बेचने की गलती नहीं करनी है। जितना लंबे समय के लिए अगर आपने स्टॉक को होल्ड कर लिया तो उतना ही समय आप लोग अच्छा खासा रिवॉर्ड स्टॉक आपको भी प्रोवाइड कराएगा। किस स्टॉक के बारे में बात हो रही है वो देख लेते हैं। आप लोग देख सकते हैं कोई भी
यहाँ पे आपको रेड सिग्नल देखने को नहीं मिलेगा इस स्टॉक के ऊपर। तो अभी काफी अच्छी वैल्यूएशन पर ट्रेड हो रहा है ये स्टॉक, नाम है अवंती फीड। यहाँ दोस्तों बहुत सारे स्टॉक होल्डर के पास ये होगा, और अगर किसी ने ऊपर के लेवल पे ले लिया है तो उसको डेफिनेटली 5 से 10 साल इंतजार करें, वो काफी अच्छा खासा पैसा बनाएगा इस कंपनी में जो उसने लगा रखा है। हालांकि अभी स्मॉल कैप कंपनी है, मात्र 7,504 करोड़ की कंपनी, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि कंपनी का रेवेन्यू बढ़ ना रही हो, ग्रोथ ना हो रही हो कंपनी की, सेल्स ना हो रही हो कंपनी की, या फिर कंपनी प्रॉफिट ना जनरेट कर रही हो। हर चीज कंपनी की आपको अच्छी खासी ग्रो होती हुई दिखाई दे रही है। तो आप लोग बने रहिए, आपका पैसा बनेगा, और जिन लोगों ने नहीं लिया उसको भी इस स्टॉक को लेने के बारे में जरूर सोचना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मेरी लगातार कोशिश रहती है कि आप लोग का इन्वेस्टमेंट बहुत ही ज़्यादा सेफ हो और आप लोग भी अच्छा खासा पैसा बना सकें स्टॉक मार्केट से। तो बस मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।